नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती और केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीआई खाचरो थाना पुलिस की परेशानी कम होते नजर नहीं आ रही है। पिछले 3-4 महीनों से क्षेत्र में चोरी और अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आज फिर खाचरो क्षेत्र के चौकी स्थित बंगलामुखी आश्रम चौकी में आज रात्रि 3 बजे के लगभग चोरों ने मंदिर के ताले चटका कर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है, जिसमें 3 किलो चांदी और 2 किलो सोने के आभूषण शामिल हैं। चौकी आश्रम स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उदयपुर गए हुए थे। रात्रि में ही मंदिर सेवकों ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर पुलिस को बुलाकर जानकारी दी। एसडीओपी अरविंद सिंह ने थाना प्रभारी सिंगावत के साथ आश्रम का मौका मुआयना किया। शीघ्र ही पुलिस साइबर की मदद से चोरों तक पहुंचने का प्रयास करने में जुट गई है। खाचरोद से सत्तार खान की रिपोर्ट। मंदिर में चोरी हुई है जी। क्या है पूरा मामला? एक गई रात्रि 4 बजे करीब हमें सूचना मिली थी कि जो अपना बगलामुखी मंदिर के अंदर किसी ने ताला तोड़ दिया है। 4 बजे भी हम आए थे, 4-5 बजे करीब फोर्स के साथ देखा तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे 2। और यहाँ के जो हमने उनसे पूछा जो यहाँ मंदिर पर रहते हैं, उनका कहना था कि यहाँ के जो कृष्णानंद जी महाराज हैं उनको कोरोना की वजह से वो अभी 2-4 दिन से उदयपुर में इलाज के लिए भर्ती है। और उनके जो एक तो सीताराम जी करके जो उनके सेवक है जो महाराज है वो और 3 कर्मचारी यहाँ अंदर सोए हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि 3 बजे करीब हमने घूम के देखा तो मंदिर का दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर से कुछ वो बता रहे हैं माता जी के जेवर और दान पेटी से कोई उनके जो पैसे चोरी गई है नकदी, तो अभी वो बता नहीं पा रहे कितने गए हैं। लिस्ट बना के और जो भी है अभी कायमी करके कायमी अपराध पंजीबद्ध करके वेतना लिया जाएगा। सर क्या कारण है खाचरो क्षेत्र में चोरी की वारदातें लंबी बढ़ गई है? सर कल एक बाइक चोरी हुई, उसके पहले एक दिन पहले नागदा रोड पे एक किराएदार के यहाँ पे चोरी हुई। सर नहीं नहीं ऐसा नहीं, नागदा में कहाँ पे चोरी हुई? नागदा रोड पे एक कॉलोनी के अंदर 7,000 रुपये नकदी गैस सिलेंडर चोरी। हमारे पास नहीं आई ऐसी कोई सूचना है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई चोरी की, आज ही हुई है। और जो भी हो रही है तो मैं पूरा बरामदगी के प्रयास करेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।